So now let's come to the some practice session on this matter. And in practice session, the practice is about identifying the types of adjectives under each of these categories. For example, the ship had heavy damages, kitana damage, heavy damage. क्या हैवी को काउंट कर सकते हैं नहीं हैवी क्वांटिटी बताता है बट क्या काउंटेबल है नो इट विल कम अंडर गुणात्मक इट विल कम अंडर क्वांटिटी। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स मैंने बहुत बार बुलाया है आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स सेवरल मतलब बहुत बार कितनी बार बुलाया इसको काउंट कर सकते हैं सो yes. so, यहां पर सेवरल जो है वो कौन से नाउन में आएगा ये क्वांटिटी संख्यात्मक नंबर एड्जेक्टिव ऑफ नंबर ऐसी सेवरल को हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं जहां काउंट नहीं कर सकते देयर ऑल्सो वी कैन यूज द वर्ड सेवरल बट हियर आई हैल्ड हिम सेवरल टाइम्स नेक्स्ट इज एवरी डॉग हैज़ हिज डे कितना बढ़िया मुहावरा है ये सुना है आपने एवरी डॉग हैज़ हिज डे हर कुत्ते का दिन होता है क्या अर्थ है इसका हर कुत्ते का दिन होता है इसका क्या अर्थ है हर आदमी हर व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं ये जो मुहावरा है हजारों साल के अनुभव के बाद बनते हैं मुहावरे तो एवरी डॉग डे मतलब हर आदमी का दिन आता है इसीलिए इसका अर्थ यह हुआ डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन किसी को कम मत आको आज तुम ऊपर हो कल तुम नीचे होगे। और आज जो नीचे है हो सकता है कल वो आपके ऊपर बैठ जाए आज मैंने उसको मारा कल उसको वो मार सकता है कल उसका भी दिन आएगा मुझे मारने का तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा मुहावरा यूज करते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे अब ये जो एवरी जो शब्द है वो क्या बताता है निर्देशात्मक वो क्या बताता है एक संकेतात्मक तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं निर्देशात्मक संकेतात्मक को एडजेक्टिव दीज एडजेक्टिव राइट नेक्स्ट इज एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज यह भी संकेतात्मक क्योंकि एवरी है काउंटेबल है से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर उसी चीज को दो बार बोलो कितनी बार दो बार यहां पर ट्वाइस बोल रहा है तो क्या होगा वो क्रम है कि नंबर है नंबर है दो बार नंबर है दो बार काउंटेबल सो दिस कम्स अंडर काउंटेबल नाउन दिस कम्स अंडर द नाउन गुणात्मक के बाद ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ल्ड इसका क्या अर्थ है बड़ा अच्छा मुहावरा है ये भी इज a मैन ऑफ फ्यू words। इसका अर्थ है भावात्मक अर्थ शब्दात्मक अर्थ हो गया बहुत कम शब्दों वाला व्यक्ति है पर इसका भावात्मक क्या अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है और काम करता है बहुत कम बोलता है और काम करता है कई लोग होते हैं ना जो जितना काम नहीं किए उतना ज्यादा बोलते हैं ये उसका ठीक उल्टा है ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड दैट मीन्स ही शो मच अबाउट हिज वर्क

क्वांटिटी के साथ साथ संख्यात्मक न्यूमरल में भी आ सकता है उदाहरण फ्यू पीसेस ऑफ पैंट आर हियर पैंट के कुछ पीस यहाँ रखे हैं कितने पीस वन टू थ्री फोर फाइव काउंट कर सकते हैं सो so फ्यू जो है वो काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है वो गुणात्मक में भी आएगा और संख्यात्मक में भी आएगा क्वांटिटी में भी आता है और इसके अलावा न्यूमरल में भी आता है सो देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज क्या है अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज अब्दुल ने दूसरा पुरस्कार देख जीता यह क्या बताता है नंबर तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हो गया अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के मैंने दो टाइप बताए थे

should not be much talk and little work. I think you understand the meaning of this because you are in class twelve now. Now important thing is much talk. can we count it? No. So it is uncountable. Little work, little can we count the quantity of work? No so again this is regarding quantity and so it is adjective of quantity matra and mind you uncountable it is uncountable so we must remember and we must put it into practice that we talk less and work much we talk less and work much another example डायड ए ग्लोरियस डेथ और फर्दर झांसी रानी रानी ऑफ झांसी डायड ए ग्लोरियस डेथ जो रानी लक्ष्मी बाई थी उनकी मृत्यु को हम बोलते हैं ना बहुत शानदार मौत ली मिली उन्हें अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी ऑफ झांसी डाइड ए ग्लोरियस डेथ कैसी डेथ कैसी मृत्यु इट इज ए क्वालिटी ग्लोरियस बहुत शानदार इसको काउंट नहीं कर सकते सो इट कैनोट इट कैनॉट कम अंडर क्वान्टिटी एडजेक्टिव नॉर कैन इट कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स एंड ऑफकोर्स इट कैनोट कम अंडर इंटरागेटिव बिकॉज इंटरागेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क टू इंटरागेट मतलब प्रश्न उठाना सो ऑब्वियसली

जहाज में बहुत छोटा छेद है बस यस इट कैन क्रिएट ए सिंक टू ए शिप टू सिंक इन अदर वर्ड व्हाट डज इट मीन नाउ ए स्मॉल लीक स्मॉल इज व्हाट क्वांटिटी और नंबर इट इज क्वांटिटी यू कैन नॉट काउंट इट अनकाउंटेबल सो इन दैट सिचुएशन आल्सो ए स्मॉल लीक द वर्ड स्मॉल इज uncountable, it comes under quantity. Can it come under a numeral? Adjective of numeral. My question to you, I give an example. Give me some mangoes. Can mangoes be counted? Yes. So out here, the word sum is countable. इट कैन कम अंडर न्यूमरल ऑल्सो स्मॉल लीक में सिंक ए ग्रेट शिप इसका मुहावरेदार अर्थ क्या हुआ छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है बस इट्स ए मैसेज टू यू छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है नेक्स्ट वन गुड वाई नीड्स नो बुश अच्छी जो वाइन होती है उसे बुश की जरूरत नहीं पड़ती बुश मतलब झाड़ियां यानी कोई भी अच्छी चीज तो अपने आप दिख जाती वो अच्छी है कोई सी भी अच्छी चीज अपने आप दिख जाती है जो यदि अच्छी है तो गुड वाइन हियर द वर्ड गुड इज व्हाट डज इट कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सर्टली नॉट मात्रा hmm. तो नहीं बताता डज इट कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर सर्टनली नॉट इज इट इंटरागे एडजेक्टिव सर्टनली नॉट इट शोज द क्वालिटी ऑफ वाइन वाइन की गुणवत्ता बता रहा है तो गुणात्मक है ऐसी स्थिति में इट विल कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी राइट सो आई थिंक वी हैव डन क्वाइट ए फ्यू ऑफ दो एग्जाम्पल्स अंडर दिस कैटेगरी एंड सो इट इज इम्प्लाइड ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी एक्सरसाइज के बाद आप विशेषण समझ गए हैं विशेषण के संज्ञा से संबंध समझ गए हैं कितने प्रकार के विशेषण हैं ये समझ गए हैं और हर एक के कुछ कुछ उदाहरण और कुछ नए मुहावरे और शब्द अभी तक के इस लेसन से आपने सीखा है नाउ लेट्स डू अदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स कुछ शब्दों का बड़ा अलग ढंग से उपयोग होता है एडजेक्टिव में उदाहरण के लिए आई सॉ इट विथ माई ओन आईज आई सॉ इट विथ माई ओन आईज मतलब क्या होगा हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा मैंने इसे स्वयं अपनी आंखों से देखा अपनी आंखों से देखा किसकी आंखों से अपनी आंखों से तो इन दिस केस इट इज इट इज एन एडजटिव विच इज़ यूज फॉर एम्फेसाइजिंग जोर देने के लिए मैं भाई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं देखी दिखाई बात भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा है उसकी बात कर रहा हूँ अपनी आंखों से किसी ने देखा और मुझे बताया ना ना तो यहाँ पर मैं जो अपनी जो शब्द है वो क्या बताता है एडजेक्टिव किसकी आंखों से अपनी आंखों से एडजेक्टिव है अब ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी राइट आई सॉ इट विथ माई ओन आईज नेक्स्ट वन इज माइंड योर ओन बिजनेस ये शब्द आपने ये वाक्य आपने सुना होगा बहुत संदर्भ में माइंड योर ओन बिजनेस कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा आके उसमें टांग अड़ाता है या अपना कुछ कमेंट करने लगता है अपनी राय देने लगता है और अवांछनीय राय राय मांगी भी नहीं गई राय दे रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे भाई मेरे काम में टांग मत अड़ाओ और फिर उसके बाद आ गया कि माइंड योर ओन बिजनेस अपना काम करो तो माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना काम करो यहां पे देखिए टू माइंड करना मतलब क्या होता है टू माइंड मतलब अपना खुद करिए बिजनेस काम माइंड करो मतलब अपने तक रखो अपने को कंट्रोल में रखो अपना ही करो माइंड योर ओन बिजनेस वर्ड ओन इज एम्फेसाइज नेक्स्ट इज माई वेरी माई वेरी थिंग इज मिसिंग माई वेरी पेन इज मिसिंग माई वेरी पेन इज मिसिंग मेरा ही पेन गुमा हुआ है क्यों तो जब वेरी यहां पर uh, कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है लेकिन यह बता रहा है कि मेरा अपना पेन सो दिस इज हाउ द वर्ड वेरी दिस इज हाउ द वर्ड ओन इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग समथिंग टू एम्फेसाइज मैने जोड़ देना and for emphasizing what are the words we used own and very oh what a beautiful oh, oh what a beautiful go shot shot maarte oh what a beautiful shot aur football main. what a beautiful goal Messi. तो वॉट का सामान्य अर्थ हम जानते हैं क्या वॉट का सामान्य अर्थ हम समझते हैं क्या पर यहाँ पे वॉट ए ब्यूटिफुल गोल में क्या तो, तो, फिर, तो फिर क्या है? ऐसे हम बोलते हैं वॉट एन आइडिया यार आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आपके मित्रों में से कोई एक आइडिया देता है किसी चीज के लिए तो आप क्या बोलते हैं अरे क्या आइडिया दिया तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं वॉट एन आइडिया यहां पर वॉट शब्द का अर्थ क्या नहीं है बल्कि यहां पे वॉट शब्द का अर्थ है? कितना शानदार यदि मैं उसको अनुवाद करूं तो इसका अर्थ होगा कितना शानदार वॉट एन आइडिया मतलब कितना शानदार विचार कितना शानदार आइडिया तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा विस्मय बोधक और विस्मय के लिए अंग्रेजी में है एक्सक्लेमेटरी टू एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य करना चुन लीजिए यह शब्द पहली बार आप ग्रामर के तहत इस शब्द को सुन रहे हैं तो एक्सक्लेम ई सी एल ए आई एम टू एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य करना आपने पूर्ण विराम अंग्रेजी में लगाते हैं तो डॉट लगाते हैं आश्चर्य सूचक चिन्ह कैसे लगाते हैं हिंदी में एक पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी अंग्रेजी में भी ऐसे आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया जाता है उस आश्चर्य सूचक चिन्ह को या विस्मयात्मक चिन्ह को या विस्मय बोधक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो ऐसे ही वर्ड शब्द जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया जिसमें विस्मय का बोध हो रहा है सो इट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वॉट राइट ऐसे ही हमने जो पहले जो देखा था कि दिस और दैट जिससे हम एक वचन बहुवचन का अंदाज लगा सकते हैं यह भी विशेषण के रूप में कैसे होता है उपयोग आई वॉन्ट दैट बुक आई वॉन्ट योर पेन नॉट हिज पेन आई वॉन्ट यो ओपिन आई वॉन्ट दैट कार एंड आई वॉन्ट दीज बुक्स दीज और दिस में क्या अंतर है दिस और दैट में क्या अंतर है पहले तो ये हम जान ले दिस और दैट में क्या अंतर है दिस मतलब ऐसी चीज जो मेरे निकट है और दैट उस शब्द के लिए जो मेरे से दूर है आई वॉन्ट दैट कार नॉट दिस कार आई वॉन्ट दैट पेन नॉट दिस पेन आई वॉन्ट दैट बॉल शॉप में एक बच्चा बोल रहा है आई वॉन्ट दैट बॉल नॉट दिस बॉल एक बॉल जो से पसंद आ रही है ऊपर रखी हुई है और एक बॉल जो उसके पास में है आई वॉन्ट दिस बॉल सो दैट और दिस और दैट का बहुवचन होता है दोस्त और दिस का बहुवचन होता है दिस तो ये चारों शब्द क्या बताते हैं ये चारों शब्द जब मैंने पहले आपको बताया था कार्डिनल का उपयोग करते हुए तो एक तरीके से वचन के अनुसार इनका उपयोग होता है दिस एंड दैट दीज एंड दोज दे आर प्लूरल वर्ड और अधिक दूरी के लिए हम दीज और दोज का उपयोग करते हैं आई I मीन mean, अधिक दूरी के लिए हम दैट और दोज का उपयोग करते हैं और निकट के लिए हम दिस और दीज का उपयोग करते हैं एम आई क्लियर नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप एज आई टोल्ड यू अर लियर वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक एडजेक्टिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हो एडजेक्टिव बनाने के कोई अगेन में कहूंगा कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है लेकिन बहुत सारे शब्दों आप उसके एडजेक्टिव बनाना बहुत सरल पाएंगे बट लेट डू समिवियर जैसे जो अधिकतर एडजेक्टिव हैं, वो तो नाउन से ही बन जाते हैं यानी नाउन को ही उसमें कुछ अक्षर जोड़ दो और वो एडजेक्टिव हो गया उस शब्द से जुड़ा हुआ उस नाउन से जुड़ा हुआ उदाहरण के लिए बॉय बॉय यानी लड़का और लड़के जैसा व्यवहार वो कर रहा है तो क्या बोलेंगे बॉयश बिहेवियर बी ओ वाय आई एस एच क्या बोलेंगे बॉयश बिहेवियर नाउन क्या है बॉय नाउन क्या है लड़का लड़के जैसा भी, कैसा व्यवहार ये विशेषण तो हुआ ना लड़के जैसा व्यवहार तो बॉयश बिहेवियर एक शब्द है चाइल्डिश और एक शब्द है चाइल्ड लाइक -like. एक शब्द है चाइल्डिश और एक है चाइल्ड लाइक दोनों में चाइल्ड कॉमन है पर एक में आई एस एच लगा हुआ है और एक में लाइक लगा हुआ है ये जो आई एस एच लगा है बॉयज बिहेवियर एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता कोई बड़ा आदमी बच्चों जैसा व्यवहार करे तो अच्छा नहीं और बच्चों का व्यवहार मतलब हरकतें बच्चों जैसी हरकतें करें तब हम बोलेंगे बॉयज बिहेवियर अरे दैट मैन दैट मैन इज नोन फॉर हिज बॉयज बिहेवियर और एक हम बोल सकते हैं बॉय लाइक बिहेवियर तो जब हम बॉय लाइक बोलते हैं चाइल्डिश बिहेवियर तो छोटे छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करता है वो रो देगा अचानक बच्चों का क्या बर्ताव होता है बच्चे किस चीजों के लिए जाने जाते हैं बहुत जल्दी रो देंगे बहुत जल्दी धैर्य खो देंगे कई बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित होते हैं और अच्छी क्वालिटी क्या होती है बच्चों की उनका सरलपन सीधापन उनकी मुस्कुराहट राजनीति से अलग रहने के उनके जो जो बड़े सिंपल सरल ये तो ऐसे शब्दों में चाइल्ड लाइक यानी अच्छे बच्चे बच्चे के अच्छे व्यवहार को लेकर हम चाइल्ड लाइक -like बोलते हैं और बच्चे को बिर व्यवहार को यदि हम फॉलो करें तो हम बोलते हैं चाइल्डिश बिहेवियर अरे दैट मैन इज फेमस फॉर दैट मैन इज नोन फॉर चाइल्डिश बिहेवियर एंड दिस मैन इज नोन फॉर चाइल्ड लाइक बिहेवियर तो एक का व्यवहार अच्छा होगा दूसरे का बुरा होगा तो ऐसे ही बॉइश पे आए ऐसे हम आते हैं गर्ल पे गर्लिश ऐसे फूल से बना फूलिश फूल मने बेवकूफ बेवकूफों जैसा व्यवहार यानी फूलिश केयर से बना केयरफुल केयर बने चिंता और केयरफुल यानी सजग रहना केयर सजगता और केयरफुल यानी सजग रहना केयरफुल बी केयरफुल तो यहां देखिए आई एस एच के बदले अब एफ यू एल लगा प्लेफुल होपफुल आई एम होप फुल hopeful, मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा आई एम होपफुल ऑफ पासिंग इन पासिंग विद गुड मार्क्स इन क्लास ट्वेल्व आई एम होपफुल ऑफ पासिंग आउट विद गुड मार्क्स इन क्लास ट्वेल्व तो होपफुल मतलब विश्वास होना तो ये एक विशेषण है उम्मीद होना ट्रबल से क्या बना ट्रबल सम परेशान करने वाला

ये जितने भी शब्द मैं आपको बताया बॉय फूल बेवकूफ या केयर यानी चिंता सजगता या प्ले यानी खेल होप यानी उम्मीद ये सब क्या हैं संज्ञा के विभिन्न प्रकार हैं जो हम पहले सीख चुके हैं यहाँ पे हम इनसे विशेषण कैसे बनता है ये हम सीख रहे हैं हाउ वी मेक एडजेक्टिव आउट ऑफ नाउंस

थोड़ा सा रंग लगा लेना लिपस्टिक लगा लेना उससे कितना अंतर पड़ जाता है चेहरे में सो लिप सर्विस हैज समथिंग लाइक दिस मीनिंग सो यू जस्ट ऐड आई एस एच एंड बॉय बिकम्स एडजेक्टिव यू जस्ट ऐड एफ यू एल एंड होप बिकम्स होपफुल। यू जस्ट से ई एन एंड सिल्क बिकम्स सिल्कन जांजगीर इज फेमस फॉर सिल्क जांजगीर सिल्क के लिए पसंद है प्रसिद्ध है जांजगीर रायगढ़ प्रसिद्ध है और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रायगढ़ इज ए सिल्कन सिटी रायगढ़ इज ए सिल्कन सिटी सिटी ऑफ सिल्क तो थोड़ा सा हम नाउन में परिवर्तन करके हम विशेषण बना सकते हैं डर्ट डर्ट यानी धूल और धूल धूसरित के लिए अंग्रेजी में डर्टी और वैसे डर्टी के और भी बहुत से अर्थ हैं वी शुड नॉट यूज डर्टी वर्ड्स हमें गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए तो डर्टी मैंने गंदा गर् डर्टी मैंने धूल, झूथरित डर्टी मैंने गंदा राइट right? उसके बाद और यदि हम शब्द देखें मैन मैन संज्ञा है और मैन का यदि हम हमको एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनेगा हिंदी में क्या बनेगा आदमी जैसा पुरुषत्व पुरुषत्व जिसमें हो मैनली कैसा मैनली पुरुषत्व जैसा व्यवहार किंग किनली गिफ्ट गिफ्टेड गिफ्टेड ही इज ए गिफ्टेड चाइल्ड मतलब ऐसा बच्चा जिसे जिसके पास कुछ अपार गुण हो गिफ्टेड चाइल्ड सो आई थिंक वी हैव डन And there are no rules. Let me say very clearly. It is not that every noun should have f u l to make it adjective. No, it is not that every noun should have e n. It is not that the word ending with uh, y should end up with i s h. No, there are no rules. It just comes through practice. But all you should know is that there are many many words. many many nouns which can be easily converted into adjective with little change in them am i clear okay so now we move to the next one ek aur example dekh le gold gold matlab sona metal सोना, सोना मतलब sleep नहीं gold तो आप सब जानते हो gold से क्या बनता है गोल्डन यू हैव ए गोल्डन फ्यूचर आपका भविष्य सुनहरा है यू हैव ए गोल्डन फ्यूचर नीरज कुमार थ्रू गोल्डन थ्रो या नीरज कुमार मेड ए गोल्डन थ्रो नीरज कुमार ने सुनहरा थ्रो किया अर्थात ऐसा थ्रो किया कि उसे सोना मिला स्वर्ण पदक मिला गोल्ड मेडल मिला सो so, गोल्ड gold से गोल्डन ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया अभी आपको उदाहरण ये उदाहरण वे हैं जहाँ संज्ञा से हम विशेषण बनाते हैं वी आर मेकिंग एड्जेक्टिव आउट ऑफ नाउंस नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल वेयर वी मेक एडजेक्टिव आउट ऑफ वर्ब्स क्रियाओं से भी बनता है वो आपसे भी बनता है एडजेक्टिव कैसे टॉक टॉक मतलब टू टॉक यानी बात करना टी ए एल के टॉक यानी बात करना और तुम बहुत बातूनी हो एक अच्छे शिक्षक को बातूनी होना चाहिए ए गुड टीचर मस्ट बी क्या बातूनी के लिए क्या शब्द आता है टॉक से क्या बनता है ए गुड टीचर मस्ट बी टॉकेटिव लैंग्वेज टीचर ए गुड लैंग्वेज टीचर एट प्राइमरी लेवल मस्ट बी टॉकेटिव कम से कम प्राइमरी स्तर में भाषा के शिक्षकों को बहुत बातूनी होना चाहिए क्योंकि वो जितना बात करेंगे उतना ही बच्चे सुनेंगे और सीखेंगे राइट सो टॉक से क्या बना टॉकेटिव ऐसे ही मूव से क्या बना मूव मैंने हिलाना हिलना मूवेबल दिस टेबल इज मूवेबल ये टेबल कैसी है हिलाई जाने वाली टेबल दिस टेबल इज मूवेबल तो मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं आपको क्रिया से भी कैसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं क्रिया से हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं टू टायर एक तो होता है टी वाई आर ई टायर माने कार स्कूटर का टायर साइकिल का टायर और एक होता है टी आई आर ई टायर माने थका देना आई एम टायर्ड बोलते हैं ना आई एम टायर्ड दिस वर्क टायर्स मी ये काम मुझे थका देता है This work tires me. It is the journey was very tiring. ये यात्रा बड़ी थकान दायक थी कैसी यात्रा थी थकान दायक अब इससे टू टायर मैंने थका देना जो क्रिया है वर्ब है इससे कैसे बनेगा टायरलेस थकान ना देने वाले